आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। यूपी विधानसभा के बजट सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट कोरोना और योगी के विकास के बारे में बताते हुए नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का भाषण बजट से इतर था, बातें ऐसी रखी जो मार्गदर्शन का काम करे। इसके अलावा कोरोना पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी के कोरोना प्रबंधन की हर जगह तारीफ हुई है, हम कोरोना महामारी के दौरान लोगों के साथ खड़े रहे थे। मैं देखता था माननीय नेता प्रतिपक्ष को, एक तरफ किसान की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ उन्हें गोबर में बदबू नजर आ रही थी। कैसी विडंबना है। गोबर तो हमारे यहाँ गाय का गोबर तो बड़ा पवित्र माना गया है, और मुझे लगता है कि थोड़ा भी नेता प्रतिपक्ष हम लोगों से नहीं मानते, हो सकता है पूजा ना करते हो। हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में आईसीयू बेड्स और ट्रेंड स्टाफ हम लोग देने में सफल हुए हैं, और वह उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड के दौरान कोविड प्रबंधन के माध्यम से लोगों को प्राप्त हुई सुविधा भी उन जनपदों में देखने को मिली है। लेकिन कोरोना कालखंड के दौरान सरकार के द्वारा उठाए गए कदम आज उस दिशा में एक प्रयास को आगे बढ़ाने की स्थिति थी। सत्र के 8वें दिन कई बातें कहीं, नेता प्रतिपक्ष पर कई आरोप भी लगाए, उन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोरोना काल में प्रबंधन की तारीफ की गई है उसको मानना चाहिए अखिलेश यादव को। इस खबर में हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, आज बजट सत्र का 8वां दिन रहा, काफी कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, साथ ही तंज भी कसा अखिलेश यादव पर, कोरोना प्रबंधन की बात करी है, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, विधानसभा के 9 दिन का सत्र था वैसे, हालांकि ये सत्र होता है वो 30 दिन का होता है, पर इस बार कुछ कार्यक्रम के चलते सत्र केवल 9 दिन का रखा गया था, और बजट सत्र था। और निश्चित रूप से जब बजट पास किया था तब से लेकर अब तक लगातार हम देख रहे थे कि विपक्ष द्वारा सरकार को घेरने का प्रयास किया जाता है। अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष के रूप में लगातार सरकार पर तंग कसते नजर आ रहे थे, और जिसका समय समय पर जो प्रदेश के जो लोग रहे हैं, मंत्री रहे हैं या जो सदस्य रहे हैं, उनका जवाब भी दिया गया। केशव प्रसाद मौर्य से भी उनकी तीखी नोकझोंक हुई थी, उसके बाद ब्रजेश पाठक ने भी अखिलेश यादव पर तमाम तरह की बात कही थी, उन पर तंज कसते हुए कहा था कि वो उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो इस तरह लगातार, और जिस तरह से आप बजट सत्र पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिभाषण था और वो बोले थे, और अभिभाषण बोलते उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर बजट के अलावा बोल रहे हैं, बजट पे कोई बोलना नहीं चाहता है और वो बातें कर रहे हैं जिसका बजट से कोई लेना देना नहीं है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सदन में स्वस्थ चर्चा होना चाहिए, मार्गदर्शन मिलना चाहिए, अगर कोई चीज़ बेहतर शक्ति बेहतर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, पर यहाँ पर सरकार को अन्य जो मुद्दे जो बजट से अलग है उन पर घेरने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ आज वो सारा अंदाज में बोले, उन्होंने एक बात भी कही कि अब अलग मंजन नजर आने लगे हैं और लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं, इस तरह उन्होंने एक तंज भी कसा है। निश्चित रूप से यहाँ पर सारा उन्होंने कहा है सरकार बेहतर कार्य कर रही है, चाहे कोविड प्रबंधन की बात हो, चाहे बजट की बात हो, चाहे अन्य बुनियादी सुविधाओं की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, चाहे निवेश की बात हो, सरकार यहाँ पर बेहतर काम करती नजर आ रही है, और नेता प्रतिपक्ष को इस बात समझना चाहिए, और जो काम बेहतर हो रहा है उसकी सराहना यहाँ पर होनी चाहिए। जी, अखिलेश यादव ने सदन में काफी मुद्दे उठाए थे, तो वहीं आज काफी देर तक भी बोलते रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कोरोना प्रबंधन के साथ साथ उन्होंने कई तंज भी कसे हैं अखिलेश यादव पे, उसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे, क्योंकि आज बजट का भी दिन था, बजट पे भी काफी बातें हुई हैं, उन पे भी जानकारी चाहेंगे। बजट पर आज जैसे बजट 26 मई को पास हुआ, तो उसके बाद बजट पर लगातार जो है नेता प्रतिपक्ष से आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, और उस पर बजट पर कहा कि बजट नहीं बंटवारा है, तमाम तरह के आरोप लगाए थे। इसके अलावा वहाँ पर तीखी नोकझोंक उनकी केशव प्रसाद मौर्य के बीच भी हुई थी। उसके बाद लगातार देखा जा रहा था कि अखिलेश यादव विपक्ष के रूप में इस समय बिल्कुल सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास कर रहे थे, और उन्हीं का यहाँ पर जवाब योगी आदित्यनाथ द्वारा आज बजट पर चर्चा थी, और बजट पर चर्चा के माध्यम से आज बजट पर उनको भाषण भी देना था। उसी भाषण में उन्होंने तमाम तरह के जो आरोप हैं जो नेता प्रतिपक्ष के द्वारा लगाए गए थे, उन आरोप पर माकूल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन वो बजट की इतर बात कर रहे हैं,
मार्गदर्शन दे, अगर अच्छा ही कुछ बात बोलेंगे निश्चित रूप से हम उसका अनुसरण करेंगे, पर यहाँ पर जो जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है उस बजट पर कटाक्ष करना, उस बजट को जो है संदेह के घेरे में लेना, उस बजट को बंटवारा बताना, ये बात सही नहीं है और ये बात शोभनीय नहीं है। यहाँ पर स्वस्थ राजनीति होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जैसा काम हमने किया है वैसा काम कीजिए, अब तक सरकार ने नहीं किया है। यहाँ पर तो जो बेहतर हो रहा है वो काम बताए जाते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम जनता के भी जा रहे हैं और जनता ने हमें उसी की नींव रखते हुए दोबारा सत्ता में बुलाया है 37 साल बाद। तो यहाँ पर उनका कहना ये भी था कि नेता प्रतिपक्ष अब वो बोलना क्या चाह रहे हैं, वो बताना क्या चाह रहे हैं, वो खुद समझ नहीं पाते कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो किस बात पे बोल रहे हैं, बजट के अलग बात कर रहे हैं। इसके अलावा वो हमेशा ये बार बोलते हैं कि हमने ये काम किया, अपने वो सरकार की योजनाओं को अपना नाम बताने से चूकते नहीं है। तो इस तरह से उनका जो आरोप है नेता प्रतिपक्ष का वो गलत है। और लगातार योगी आदित्यनाथ आज अपने बजट पर भाषण के दौरान भी उन्होंने जो नेता प्रतिपक्ष उनको आड़े हाथों लिया और अलग अलग सारहना आला से तंज करते हुए मैंने आपको बताया कि अब अलग मंजर नजर आने लगे हैं और लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं। इस तरह का तंज आज अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ ने किया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे लखनऊ से। तो आज तंज कसते हुए आए हैं, नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ सदन में। काफी देर तक उनका बजट पर भाषण रहा था, उन्होंने संबोधन दिया, लेकिन सीधे तौर पर वो अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए नजर आए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ज्ञानवापी मस्जिद में पिछले हुए सर्वे का वीडियो लीक होने का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। इस मामले के पैरोकार विश्व वैदिक हिंदू सनातन संघ ने अशांति फैलाने की साजिश बताई है। वहीं इस केस की मुख्यवादी राकेश सिंह के वकील ने वीडियो लीक होने के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है और जितेंद्र सिंह बिसेन कोर्ट परिसर में आपत्ति दाखिल करने के लिए भी पहुंच गए हैं। इस मामले से जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है या अपने आप को जुड़ा होने का दावा करता आ रहा है, लेकिन हालांकि कोर्ट में जो किसी तरह से नहीं है, तो उस चीज़ की भी जांच हो। ये केवल चेन ऑफ इवेंट को देखा जाना जरूरी है इस समय, कि पीएफआई की एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बयान आना, उलेमाओं के फतवे आना, देवबंद से फतवे आना, किसी पॉलिटिकल लीडर का एक माइनॉरिटी को लेकर के भड़काऊ भाषण आ जाना और उसी समय एकाएक वीडियो आना, ये चेन का पार्ट है। इसमें जो व्यक्ति मामले में है कहीं ना कहीं वही लोग दोषी पाए जाएंगे। उसके लिए सीबीआई जांच की मांग करेंगे, यहाँ भी करेंगे, इलाहाबाद तक करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक करेंगे। राकेश सिंह का स्टैंड क्लियर है, इसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस संदर्भ में जो विपक्षी हैं उनकी का अभिमत है कि हम उसको वापस करेंगे, परंतु हम इस विषय पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं और कहाँ से ऐसी शरारत हुई है और कह नहीं सकते हैं। ये माननीय न्यायालय के विवेक का निर्भर है, जो वो उनका आदेश निर्देश होगा उस का अनुपालन हम लोग करेंगे। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। विभांशु, जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, अब काफी लोगों के स्टेटस में भी इसे देखा जा सकता है और अब इसके ऊपर आपत्ति भी जताई जा रही है। लीक हो गया है ये वीडियो क्योंकि अभी इस मामले में जांच चल रही थी, सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखने की बात कही जा रही थी, लेकिन ये जो वीडियो लीक हो गया है इसके ऊपर अब कई बातें भी कही जा रही है, पूरी जानकारी चाहेंगे। शिखा, आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद परिषद के अंदर में जब आपको बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद वीडियो रिकॉर्ड किया गया और 3 दिन तक वीडियो रिकॉर्डिंग चली, जिसमें तमाम जगहों की जो पुराने अवशेष थे जिसको रिकॉर्ड किया गया, जैसा आपने देखा कि वो वीडियो धीरे धीरे सामान्य रूप से जब वो रिकॉर्ड होते हैं उसके बाद टीवी चैनलों पे चलने लगते हैं, जिसको लेकर आपको बताएं कि हिंदू पक्ष के जो वादिनी है, जो चारों वादिनी है, उनके साथ उनके वकील शिवम गौर आज जो डीजे है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, वहां पहुंचते हैं और अपने सील बंद लिफाफे के साथ पहुंचते हैं। जो आपको बताएं कि इसमें चार दस्तावेज बनाए गए थे, एक जो की कोर्ट में जाना था और दूसरा आपके पर्यवेक्षक के पास रहना था और दो बाकी जो दो बच्चे हैं वो पक्ष और विपक्ष यानी कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के पास रहना था। तो अब से देखने वाली बात ये होगी कि किस पक्ष की तरफ से ये वीडियो लीक हुआ है। वही हिंदू पक्ष की तरफ से आज जो वकील है विनय गौर, उनकी तरफ से आज डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जाते हैं, जिसमें उनके साथ जो जो PIL डाली है, जो जिनके द्वारा याचिका डाली गई है, वो वादिनियों के साथ जाते हैं और आपको बताएं कि 15 मिनट में वो जो जज है, जिला जज, उनके सामने समक्ष पेश होकर और
अपनी दलील रखते हैं कि इसमें सीबीआई जांच हो, जो हमें दस्तावेज मिले हैं वो सीलबंद हैं और आपके सामने हैं। इन सब दलीलों के साथ उन्होंने कहा कि जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साथ ही साथ जिन्हें भी ये दस्तावेज मिले हैं उनके पूरे जांच हो, साथ ही साथ सीबीआई जांच हो, जिन होटलों में ठहरे हो उसकी जांच हो। वही आपको बताएं कि जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम संगठन है, चाहे बात की जाए अगर जो तो कोई वक्फ फेडरेशन हो, चाहे बात की जाए पीआईएफ हो, चाहे बात करे तो उलेमा हो, इन सब जगहों पे जो तमाम बयान आ रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं उनका तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है मुस्लिम पक्ष के कि उनकी तरफ से वीडियो को लीक किया गया है, ऐसा हिंदू पक्ष के वकील का कहना है। और शिखा आपको बताएं कि सभी दलीलों को देते हुए उन्होंने कहा कि इस वीडियो लीक होने की वजह से सामाजिक उन्माद फैल सकता है और जो सामाजिक सौंदर्य है, सौहार्द है, वो भी बिगड़ने के चांसेज है, जिसको लेकर कोर्ट कहीं ना कहीं स्वस्थ होकर और कार्रवाई करे, सीबीआई की मांग उन्होंने की। वहीं आपको बताएं कि कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आने वाले 4 तारीख को जो फैसले आने हैं, जो 4 जुलाई को फैसले आने हैं, उसमें इस बिंदु को भी ध्यान में रखा जाएगा और 4 जुलाई को ही सब कुछ होगा। और आपको बताएं कि डीजे कोर्ट की तरफ से साफ तौर पे जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उनकी तरफ से दस्तावेज लेने से मना कर दिया गया और साफ तौर से कहा गया कि 4 तारीख को, यानी कि जो कोर्ट की ने तय किया कि आप 8 हफ्तों के बाद, तो वो 4 तारीख को इस मामले पे भी एक बिंदु रखी जाएगी। जी अगर कार्रवाई की बात करी जाए तो अभी तक कार्रवाई कहाँ तक पहुंची, क्योंकि इससे पहले तो कहा गया था कि दोनों पक्षों को सारे सबूत, सारी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मुहैया कराई जाए ताकि दोनों अपना अपना पक्ष रख सके और अगर असहमति है तो वो भी पेश कर सके। लेकिन जिस तरह से अब माहौल देखने को मिल रहा है, अब ये वीडियो भी सामने आ गया है, तो अब कार्रवाई किस तरह से मोड़ बदलेगी? जी बेशक, अब इन सब चीजों को, इन सब बिंदुओं को देख कर कोर्ट फैसला करेगा और साथ ही साथ अब जब 4 जुलाई को इस पे सुनवाई होगी तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कैसे जांच होती है और जांच के क्या आदेश दिए जाते हैं। ये देखा जाए तो एक प्राइवेट चीज है, एक गोपनीय चीज है, गोपनीय तरीके से पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई और गोपनीयता जहां भी भंग हुई है उन पे हो सकता है कि कोर्ट कार्रवाई भी करे। और अगर इसमें जो तमाम अब 4 जुलाई को जब फैसले होंगे तो इस बिंदु को रखकर इस पे जांच भी की जाएगी कि आखिर कैसे लीक हुआ। वही अब देखने वाली बात ये होगी कि किस पक्ष की तरफ से इसे लीक किया गया है। वही आपको बताएं कि ये पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी क्योंकि इस वीडियो के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं देखें तो शांति व्यवस्था कायम करने के जो पुलिस प्रशासन, साथ ही साथ ज्ञानव्यापी मस्जिद परिषद के अंदर सीआरपीएफ लगाया गया है, उनके लिए अब देखे तो अब उन्हें खास तौर से कड़े इंतजाम भी करने पड़ेंगे हर एक जगह पे। साथ ही आपको बताएं कि जो वीडियो लीक हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं कोर्ट ऐसे फैसले भी सुनाएगा अगर कोई इसमें संलिप्त होता है जिसके द्वारा वीडियो लीक किया गया है। वही आपको बताएं कि 52 लोगों की टीम के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कराया गया था तो उन सभी 52 लोगों पे भी नजर रखी जाएगी क्योंकि इनकी मौजूदगी में रिकॉर्डिंग हुई और जो भी रिकॉर्डिंग की टीम में सम्मिलित था उन सभी के मोबाइल और जो रिकॉर्डिंग के दस्तावेज थे वो सभी, जब रिकॉर्डिंग की समय शुरू होती थी 8 बजे से 12 बजे तक, तब तक वो मोबाइल बंद रखते थे और अपने साथ ऐसे कोई कैमरे जैसा यंत्र लेके नहीं जाते थे। जो भी जाता था वो कोर्ट की तरफ से जो कैमरे के आदेश थे वो टीम के पास ही बस कैमरा होता था, बाकी किसी सदस्यों के पास कैमरा नहीं होता था। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो वीडियो दोनों पक्ष और साथ ही साथ मॉडरेटर को दिए गए हैं इसमें से किस तरफ से ये लीक हुआ है, अब इसके जांच का विषय और जांच के बाद पता चलेगा। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। तो अब इस मामले में सीबीआई जांच की मांग भी करी जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि अशांति फैलाने के लिए ये सारे कृत्य करे गए हैं। सिद्धार्थनगर जिले में 20 दिन पहले बनी सड़क में अब नया मोड़ आ गया है। सड़क टूटने की वजह से ओवरलोडिंग का मामला सामने आ रहा है। अवैध खनन की वजह से ट्रक का आवागमन इस सड़क पे काफी बढ़ गया है। बालू की ढुलाई कर ट्रक बंधे पर चढ़ने से पहले ही फंस जाते हैं जिससे जेसीबी के जरिए इन ट्रकों को निकाला जाता है। करीब 9 करोड़ की लागत से बनी निर्माणाधीन सड़क जर्जर हालत में पहुंच गई है। मार्ग पे लगभग ये इसकी लंबाई है 10 किलोमीटर जिस पे लगभग 8 किलोमीटर लेपन का कार्य अभी वर्तमान में हुआ है, 8 किलोमीटर से कुछ कम, और इसके 3 किलोमीटर में एक खदान है, खदान बालू की खदान है। तो वहाँ से जो भारी वाहन आ रहे हैं इस 3 किलोमीटर में
और वो हमारे इस नवनिर्मित मार्ग के ऊपर से होके गुजर रहे थे, तो उनकी खदान से जो बालू लाई जा रही है उसमें बहुत भारी एक तो लोडिंग है, दूसरा उसमें पानी साथ में आ रहा है, तो वो रोड पे आके जहाँ जहाँ खड़े हो रहे हैं वहाँ उनके पानी गिरने से मार्ग पे कुछ क्षति हुई है। सर देखिए, रास्ता तो एक रास्ता हम लोगों का ये है, एक रास्ता उस साइड से है नदी के उस पार से, दो रास्ता हम लोगों का है, तो उस रास्ते से बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं क्योंकि गांव के अंदर से होके जा रहा है, तो वहाँ पे बच्चे हमेशा खेलते कूदते रहते हैं तो दिक्कत हो ना हो जाए, इस वजह से हम लोग उधर से नहीं ले जाते हैं बड़ी गाड़ियाँ, उधर से ट्रालियाँ जाती हैं और इस रास्ते से हम लोग जो है बड़ी गाड़ियाँ लेके जाते हैं, और बड़ी गाड़ियों का हम जो लोग माल देते हैं उसमें अंडर लोड करके ही देते हैं, ओवर लोडिंग हम लोग नहीं देते। 9 करोड़ की लागत से बनी निर्माणाधीन सड़क का क्या हाल हो गया है, एकदम जर्जर नजर आ रही है, और जब भी इन रास्तों पे ट्रक जाने की कोशिश करते हैं तो वो रास्ते में ही धस जाते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत पर माइक से हमला और स्याही फेंकने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों किसान बिजनौर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन कर राकेश टिकैत की जेट प्लस सिक्योरिटी की मांग को लेकर डीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। हमला ये टिकैत पर नहीं, एक किसान बिरादरी पर हमला है, और हमलावर ने जिस सुनियोजित ढंग से हमला करा, राकेश टिकैत जी को सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार ले, और उस व्यक्ति से ये बताए कि सरकार के क्या संबंध थे। इस खबर पे हमारे साथ बिजनौर से संवाददाता तुषार वर्मा जुड़ चुके हैं। तुषार, जिस तरह से किसान नेता के ऊपर हमला किया गया है, माइक फेंका गया, स्याही फेंकी गई, इसका उद्देश्य क्या बताया जा रहा है? देखिए शिखा, मैं आपको बता दूं, कर्नाटक में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो किसान नेता राकेश टिकैत हैं, इनके ऊपर जो आईडी फेंकी गई थी और स्याही फेंकी गई, इस मामले को लेकर आज पूरे प्रदेश में भाकियों नेताओं का धरना प्रदर्शन था मुख्यालय पर। उसी के चलते आज बिजनौर में भाकियों के सैकड़ों कार्यकर्ता आज बिजनौर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की, और कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर किसानों ने डीएम कार्यालय का भी घेराव किया और राकेश टिकैत के लिए जेट प्लस सिक्योरिटी की भी किसानों द्वारा मांग की गई है। उन्होंने उसकी निंदा भी की है, जो राकेश टिकैत पर जो हमला किया गया है उसकी निंदा करते हुए कहा कि जो भी हमलावर हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए, क्योंकि हमले के दौरान जो हमलावर थे उन्होंने जय जय मोदी और जय जय मोदी के नारे लगाए थे, तो कहीं ना कहीं इसमें किसानों का शक है कि बीजेपी का इसमें हाथ हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल देखना यह होगा कि सरकार द्वारा इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी। किसानों ने सख्त से सख्त कार्यवाही की इसमें मांग की है और जेट प्लस सिक्योरिटी की राकेश टिकैत के लिए मांग की गई है। जी तुषार, तो क्या अभी तक कोई किसी तरह का आश्वासन दिया गया है सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किसान नेताओं को या फिर प्रदर्शनकारियों को? देखिए अभी फिलहाल जो है, जो किसानों ने जो जिला प्रशासन उसको ज्ञापन सौंपा है, ज्ञापन सौंपने के बाद जो किसान है, किसानों ने चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द इन हमलावरों की गिरफ्तारी की जानी चाहिए और सबसे सभी इनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। अगर कार्यवाही नहीं होती है तो किसानों को एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगा, जिसकी सरकारी पूरे प्रदेश सरकार की होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी हमारे साथ संवाददाता तुषार वर्मा जुड़े थे बिजनौर से। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।